हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ कि जो शियाओमी कंपनी है, इसकी तरफ से गेमिंग लैपटॉप अब लॉन्च हो चुका है एक, तो जो कि काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है शियाओमी ने, और बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन इसमें पैक्ड है। तो ये अभी अभी चाइना में लॉन्च हुआ है गेमिंग लैपटॉप, और ये काफ़ी तहलका मचाने वाला है। तो चाइनीज़ कंपनी की तरफ से अब जो शियाओमी है, इसकी तरफ से गेमिंग लैपटॉप भी लॉन्च हुआ है, तो अब देखा जाएगा कि इसे इंडिया में कितने लोग लेते हैं, क्योंकि इसके जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी वो जैसे कि शियाओमी अपने फ़ोन्स में यूज़ करता है, काफ़ी प्राइस कट वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता है जिससे कॉम्पीट करता है बाकी फ़ोन की कंपनी से, तो वही यूज़ करेगा इसमें भी। तो देखते हैं इसे इंडिया के कस्टमर्स कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो लैपटॉप का डिज़ाइन बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसमें जो पीछे की तरफ एक टेक्सचर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि TUF के A15 में देखने के लिए मिलता है हमें, वैसा टेक्सचर है। फ्रंट में जो डिस्प्ले है वो उसके बहुत थिन बेजल्स हैं लेफ्ट और राइट में। साथ में जो वेबकैम है वो ऊपर नहीं है, नीचे है, जैसे कि लेगन में देखने के लिए मिलता है। उन्होंने एडजस्ट किया है वेबकैम को, और वो अच्छी बात है क्योंकि वेबकैम देखने के लिए मिल रहा है हमें। जो कीबोर्ड है वो फुल साइज कीबोर्ड है, और फिंगरप्रिंट सेंसर शायद मिसिंग है, ऐसा फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। बैकलाइट कीबोर्ड है, कोई इशू नहीं है। जो कूलिंग है वो बहुत ही बेटर है, क्योंकि कूलिंग के लिए इसमें जो हीट पाइप्स यूज़ की गई हैं वो GPU के लिए और CPU के लिए अलग अलग हीट पाइप्स यूज़ की गई हैं, तो ये कूल अच्छा करती हैं। और साथ में डुअल कूलिंग है, तो लेफ्ट और राइट में वेंट्स हैं, तो अच्छी बात है। अब अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डिस्प्ले इसमें 16.1 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि फुल HD IPS पैनल है, और अप टू 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट तक देता है हमें। साथ में 100% sRGB कलर गैमेट भी हमें देखने के लिए मिलता है, तो ये अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली 15.6 इंच के डिस्प्लेज आते हैं, पर ये थोड़ा अलग है। 17.3 इंच के और 15.6 इंच दोनों के बीच का डिस्प्ले है, तो देखते हैं। साथ में अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं उसमें, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इसमें। i5 का 10th जेन मिलता है, और साथ में एक i7 का 10th जेन भी मिलता है, ये ऑप्शन से अवेलेबल है। और इसमें थोड़ा i5 का दो वर्जन दिखा रहे हैं, मतलब अनाउंस जो किया है इसमें दो वर्जन i5 के, एक i5 का 10200H है और एक 10300H जो यूजुअली यूज़ होता है। तो ये दोनों प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं हमें। अगर GPU की बात करूँ तो इसमें दो ऑप्शन है GPU के, एक GTX 1650 का है और एक GTX 1650 Ti जो थोड़ा बेटर है परफॉर्मेंस में 1650 से। तो दोनों डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन G-Sync का सपोर्ट शायद नहीं है डिस्प्ले में, तो वो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी इसमें 55 वाट आवर की है बैटरी, तो वो भी ठीक है, लेकिन 16.1 इंच के स्क्रीन के हिसाब से थोड़ी कम है। एटलीस्ट 58 वाट आवर तो देनी चाहिए थी, और नहीं तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्क्रीन होती है तो बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है, लेकिन फिर भी 55 वाट आवर ईजिली आपको 5.5 आवर तक का बैटरी बैकअप ईजिली नॉर्मल यूज़ पे दे देगी, तो वो भी कोई इशू की बात नहीं है। अब फाइनली अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है। प्राइस इसका $760 अभी लॉन्च के टाइम पे बताया गया है, और लॉन्च के टाइम का प्राइस थोड़ा मतलब कुछ टाइम के बाद घट भी जाता है। तो $760 अराउंड 56,000 इंडियन रुपीज़ में होता है, तो अगर 56,000 में इंडिया में लॉन्च होता है तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन देने वाला है आपके लैपटॉप्स को, जो अभी के गेमिंग लैपटॉप्स चल रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। अभी फिलहाल हमें Acer Aspire 7 देखने के लिए मिलता है, तो वो तो उतना अच्छा स्पेक्स नहीं है इसमें इसके हिसाब से, तो वो देखा जाएगा। साथ में यही था इस वीडियो में, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 250 लाइक्स का, तो लगता है मुझे कि आप लोग पूरा कर लेंगे। ओके, थैंक यू।